हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग इज़ फन विद फरदाना। आज का रेसिपी है पनीर बटर मसाला। इसके वास्ते एक कड़ी में 1/4 कप प्याज, 1.5 कप टमाटर, 2 हरे मिर्च अब इसके अंदर ही छे, 2 बिरयानी के पत्ते, 1/4 कप काजू, जरे करी पत्ते, जरे कोतिमीर, 1 इंच चकला, 2 लौंग, 2 इलायची, 1/2 ग्लास पानी डाल को फ्लेम को मीडियम पर रख ले को कवर कर को मिनिमम 10 मिनट, नहीं तो टमाटे अच्छा नरम गल गए तक इसे पका लेना। अब इसके देखो, हाँ टमाटर अच्छा गल गया। अब इसके अंदर 1/2 स्पून शक्कर, 1 स्पून नमक, 1/2 स्पून धनिया पाउडर डालना, फ्लेम को बंद कर डालना। पूरा ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में इसे निकाल ले को पेस्ट कर लेना। अब वोच कड़ी के अंदर 2 स्पून बटर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च डाल को तल लेना। ऐसा करे तो ग्रेवी जरा लाल दिखता। अब इसके अंदर 1/2 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल को 1 मिनट तल लेना। अब बना को रखे सो पेस्ट डाल डालना। अब 5 मिनट के वास्ते कैप लगा को इसे उबाल लेना। अब इसके अंदर 200 ग्राम पनीर के पीसेस डालना। इसके अंदर इचे 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 स्पून कसूरी मेथी दाल को एक बार मिला लेना। अब इसके अंदर 1/4 ग्लास पानी डालना, दाल को फिर को कैप लगा को 5 मिनट के वास्ते इसे उबाल लेना। इसके बाद लास्ट में इसमें 3 स्पून क्रीम डालना। मैं यहाँ अमूल का फ्रेश क्रीम लेती हूँ। एक बार अच्छा मिला ले को ग्रेवी ठीक होने तक इसे पका लेना का, तो और एक 4 से 5 मिनट बन गया हमारा पनीर बटर मसाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।